नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए फ्री PDF के लिए, और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के, BEd एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टेट के लिए, थ्योरी के रूप में जो क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी वाली जो क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये जो GK GS में थ्योरी होती है, अगर हम बात करते हैं हिंदी की थ्योरी होती है, रीजनिंग की जो थ्योरी होती है, मैथ की जो थ्योरी होती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा DOG ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, DOG ऑफिशियल ऐप पर ये बैच आपको मिलने वाला है। 1 जनवरी से मैंने आपको बताया था इसका प्राइस जो है आपका रहने वाला है 699, और जब तक ये फॉर्म नहीं आता तब तक ये फॉर्म भी आने वाला है, और फॉर्म आने के बाद ये प्राइस 999 हो जाएगा। तो आज ही जो है इसको ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। कैसे ज्वाइन करना, आपको ये जो ऐप दिख रहा है प्ले स्टोर पर जाना है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर पर जाना है, DOG ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे पेज खुल के आएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जाना है अगले पेज में, ये आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पे ऑनलाइन करिए। आपके सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं कि किसके थ्रू आपको पे करना है, गूगल, फोनपे, पेटीएम, अदर्स पे जाएंगे तो आप किसी और के फोन पे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके पे करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कोर्स जो है ओपन हो जाएगा, उसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी नए साल से जो आपकी ये फीस है आपके ये रहने वाला है, तो इसको देखो, ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सिंपली जो है मैंने जो नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो ये नंबर है 8081123739। इस नंबर पे जो आप लोग एक जो है मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को, और क्लास को लीजिएगा, बहुत मजेदार जो क्लास आपकी होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए दोस्तों, आपके सामने जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज पुनः जो है उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए, समय का उपयोग करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। बिल्कुल भैया, फटाफट बताना है, जो लता मंगेशकर सम्मान है ये किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो आप लोग जानते हैं इसको, मैंने कई बार मैंने ही बताया है, आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान शुरू किया गया। किस वर्ष शुरू किया गया आप लोग जानते हैं, 1984 में शुरू किया गया। ये जो लता मंगेशकर सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप जानते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है, और किस सरकार द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश सरकार 1984 में। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। आपको यहां पर देख रहे होंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, तो ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है आप सभी लोग जानते हैं ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है, साहित्य के क्षेत्र का, ध्यान देंगे भैया, क्या है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है, सबसे बड़ा सम्मान है, ध्यान देगा इस बात को। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भैया, याद रहेगा क्या, बिल्कुल। तो चलो आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आगे है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। पर्सनल कंप्यूटर में क्या करता है, कंप्यूटिंग करता है, फटाफट बताना है। बिल्कुल, कंप्यूटिंग कौन करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटिंग का मतलब यह होता है, कंप्यूटिंग करने का मतलब आप लोग जानते हैं CPU। CPU का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल। क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग। क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका होता है फुल फॉर्म, और यही आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर का, ध्यान देंगे, क्या कहलाता है,
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कौन? सीपीयू। और यही क्या करता है? आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का वर्क करता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। बिल्कुल आगे आपके सामने ये देख लो, रैम क्या है? तो इसका आशय होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप अस्थाई मेमोरी कहते हो, ये हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर को टिक करिए, जो लोग ए कर रहे हैं उनका सही है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, आप इसी बात पे बताएंगे। तो किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किस? क्या? कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता। आगे सुमिलित करना है, कहा गया है इधर संगीतकार है और यहां वाद्य यंत्र है। संगीतकार और वाद्य यंत्र से क्या करना है? सुमिलित करना है। फटाफट बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से बताओ कौन सा सुमिलित हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल आपको इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, आपको दिखने के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, जिससे आप आसानी से देख पाए। अब आप देख सकते हो यहां पर, मेरी पूरी बात समझ सकते हो। यहां देखो पन्ना लाल घोष है, यहां बेड़ा है। तो जानते हो पन्ना लाल घोष, यहां पर लिख लो एबीसीडी, पहले लिख लो एबीसीडी। आप जानते हैं जो पन्ना लाल घोष है वो क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है। तो पन्ना लाल घोष के लिए चार हो जाएगा। आगे देख लो, जो पाल धार रघु है ये क्या बजाते हैं? आप जानते हैं मृदंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं भैया? मृदंग। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? तीन। आगे है लतीफ खां के लिए क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं लतीफ खां क्या बजाते हैं? तबला। तो सी के लिए दो हो जाएगा। एक जो बच गया है कौन? यहां देखो एस बाल चंदन, ये क्या बजाते हैं? ये बीड़ा बजाते हैं, बीड़ा वादक है। तो डी का एक। देखो जिसमें चार तीन दो एक हो वह एकदम से सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कौन सा? चार तीन दो एक ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या है भैया? जो लोग ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। बिल्कुल अगला देखा जाए। चलो अगला देखो, अगला है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है। फटाफट बताओ इसका अर्थ क्या है, आप लोग आंसर में जल्दी से छाप दो इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल चलो बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल GIGO का अर्थ होता है, का मतलब होता है जार्ज इन या होता है जार्ज आउट। क्या होता है? हम कहेंगे जार्ज इन या जार्ज आउट होता है। इसका मतलब होता है जार्ज इन यानी कूड़ा अंदर, और जार्ज आउट का मतलब क्या होता है? कूड़ा बाहर। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से क्लियर है। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं सर सीवी रमण को भी दिया गया है, और किसे दिया गया है जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल चलो बताओ। बिल्कुल चलो जल्दी जल्दी से आंसर करने क्या आएगा। आप सभी लोग जानते हैं सीबी रमन को भी दिया गया है, सीबी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी दिया गया। आप जानते हैं ये जो ज्ञान
सॉरी नोबेल पुरस्कार है ये सीवी रमन को किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। और कब दिया गया था? आप जानते हैं इन्हें दिया गया था 1930 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी भौतिक के लिए ही दिया गया था, लेकिन इन्हें कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया भैया? इन्हें 1983 ईस्वी में दिया गया। किसे? तो आप सभी लोग जानते हैं सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो आप जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, देखो दोनों को भौतिक के क्षेत्र में ही दिया गया है, ध्यान देना, यही पूछा भी गया है, और दोनों क्या है? भारतीय भी हैं। तो क्या है? सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में दिया गया, और सीवी रमन को आप सभी लोग जानते हैं 1930 ईस्वी में दिया गया। क्या यहां तक आप सभी को पूरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला देखो क्या है, आगे आगे है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? बताओ जरा, मिनी माता का कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट बताओ। चलो, तो कहा गया है मिनी माता रोग का कारण क्या है? क्या कहा गया है? मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका कारण क्या है? पारा है। क्या है? पारा है। बिल्कुल, क्या है? पारा है। आप सभी को पता है मिनी माता रोग जो है क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। ये क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल, ध्यान देंगे, क्या है? न्यूरोलॉजिकल क्या है भैया? सिंड्रोम है। क्लियर हुआ यहां तक? क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। अगला बताना है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल, कहा गया विश्व की खाद्य गुणवत्ता की वाहन की उपलब्धता के वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा? तो आप सभी लोग जानते हैं इसको, तो आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी जो है कल या जो है आज सुबह के क्लास में ही इसको बता रखा है। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है क्या, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता तथा उपलब्धता में वृद्धि, यह आप लोग पहले समझ लो ये क्या है। कृषि से संबंधित है, और आपको पता है कृषि किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। आप बताएंगे हरित क्रांति के जनक, अगर विश्व में कहें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है, और इन्हीं के, इन्हीं कहा जाता है, यही इन्हीं के नाम पर ही क्या किया गया है, इन्हीं के नाम पे ही यह पुरस्कार शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? 1972 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन सा पुरस्कार? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग की स्थापना की गई। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, श्री एम एस जो स्वामीनाथन है, ये भी किसे संबंधित है? क्या भैया? बिल्कुल, तो ये जो श्री, हाँ ठीक है, स्वामीनाथन जो किसे संबंधित है, ये आप जानते हैं हरित क्रांति से, लेकिन भारत में क्या है, इन्हें भारत में, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। और विश्व में कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्हीं के नाम पर ही क्या बनाया गया?
प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार बनाया गया कब? 1972 ईस्वी में। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी का? चलो आगे देख लिया जाए। अगला प्रश्न बताओ भैया। अगला है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? कहा गया है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? ध्रुव के बारे में जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग जानते हैं ध्रुव क्या है। ध्रुव उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। क्या है? उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जो आधुनिक मॉडल पर तैयार एक एडवांस हेलीकॉप्टर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला देख लो, अगला क्या हो जाएगा? अगला है भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ? बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ। अब इसको बताना है, बहुत ही इजी है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल, चलो बताओ जरा। आप लोग जानते हैं पहली बार कब हुआ था? 1947 और 48 में। पहली बार कब हुआ? 1947 और 48 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रथम बार युद्ध हुआ। इसके बाद भी आपको याद रखना है, एक बार 1965 में हो चुका है, एक बार 1971 में हो चुका है, और एक बार 1999 में हो चुका है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे कारगिल के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कारगिल के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह बार बार हमसे मार खाने के बाद भी इसे नल्ला कहते हैं, नालायक पाकिस्तान है, इसलिए ये सुधरता नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी युद्ध के बाद भी हमेशा ये हारा ही हुआ है, कभी जीता उता नहीं है। तो इतनी बार हार चुका है, फिर भी लगातार हम लोगों से लगा रहता है, तो एक बार और होना चाहिए, जिससे ये लोग सही से सुधर सकें इनको। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला देख लो, भारत एवं चीन के बीच कब हुआ था ये बता दो। भारत और चीन के बीच अगर पूछ ले तो बताओ। आप जानते हैं भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, इसके बाद कभी नहीं हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, वो एकदम से सही हो जाएंगे। अगला देख लो क्या है। अगला है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, बताओ। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक, बात को समझना। पहली बात तो आ है सैन्य, असैन्य नागरिक का मतलब वह सैनिक ना हो, एक आम नागरिक हो, आम नागरिक को दिया जाए। तो पहली बात तो असैन्य है, केवल सैनिक को परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? सैनिकों को दिया जाता है। तो ये सैनिकों के उत्कृष्टता में के लिए दिया जाता है। तो ये तो यही है। आप जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, आप सभी जानते हैं साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अब हमें बताना है असैन्य, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलो तो आप सभी लोग जानते हैं क्या दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, ध्यान दो, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है, भारत रत्न है, जो किसी भी नागरिक को उसके
कार्य के रूप में जो उत्कृष्टता उसमें है, जो सर्वोच्चता है, उसके लिए दिया जाता है क्या? भारत रत्न पुरस्कार। तो जो लोग आपसे नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा, और जो लोग सी दे रहे हैं उनका महा गलत है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्या हो जाएगा? अगला बताना है आपको, चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, इस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? कहा गया है चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, इस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? जल्दी से बताओ इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? बिल्कुल, तो आप लोग जानते हैं जो मानव रहित है, ध्यान देना क्या है, मानव रहित है, जिसे कहते हैं सेंझाऊ एट। क्या कहते हैं? सेंझाऊ एट है। ये कैसा विमान है? आप लोग जानते हैं ये जो अंतरिक्ष यान है ये मानव रहित है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बस लॉन्च कर देता है, उसमें सैटेलाइट के द्वारा सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल याद रख लो, संजेव एट। क्या याद रख लो? संजेव एट। कौन? संजेव एट। कौन? संजेव एट। ऐसे ही आपको याद रखना है कि मानव रहित, चीन का मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? बिल्कुल, तो आप लोग क्या आंसर कर देंगे? संजेव एट है। क्लियर है? बिल्कुल, आपको पता है चीन ने इस अंतरिक्ष यान से कितने, तीन अंतरिक्ष, क्लियर है, कितने, तीन अंतरिक्ष यात्री भी भेज दिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजेव एट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो आपके लिए मजेदार प्रश्न आ गया है। कहा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, फटाफट बताओ भैया। चलो फटाफट बताओ। आप जानते हैं कब? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल, आप बताओ 7 अप्रैल WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? जरा बताओ इसका स्थापना कब हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य दिवस का स्थापना हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, चलो बताओ WHO का मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, जरा बताओ, तो आप क्या कहेंगे? इसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा कहां है? आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में कहां है? जेनेवा है। तो आप लोग ध्यान देंगे 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ WHO का, और यह जिनेवा मुख्यालय इसका है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो यहां तक आप सारी बात समझ सके? बिल्कुल, तो अगला प्रश्न देखा जाए। चलो 18 अप्रैल को बताओ क्या मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। अगला बताना है सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 1411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? यानी आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, चलो तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी है, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से किस एयरपोर्ट की है, तो ये कौन सी है?
आप सभी लोग जानते हैं डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट, ये चीन वाले हैं। जानो ये कहां पर है? चीन में है। तो जानते हो चीन वाले छोटी छोटी आंख वाले होते हैं, वो चुंग चांग वाला नाम रखते हैं, तो इसको समझ लेना, ऐसे लिखा भी गया है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। क्लियर है, चीन वाले ऐसे ही नाम रखते हैं, तो ये चीन वालों का है। और ये समुद्र तल से सबसे अधिक इसकी ऊंचाई है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलो अगला प्रश्न बताओ, अगला बताना है दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है। तो सबसे पहले बताओ आप सूडान की राजधानी क्या है, उसके बाद बताओ दक्षिण सूडान की। तो आप जानते हैं सूडान की राजधानी क्या है, किसकी? सूडान की राजधानी आप बताएंगे तो क्या है, आप जानते हैं खार्तून है। क्या है? खार्तून है। किसकी? सूडान की। लेकिन दक्षिण सूडान के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं दक्षिण सूडान की क्या है? जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। क्लियर है? बिल्कुल। चलो हाँ, क्योंकि ये देखो ये सूडान से कब अलग हो गया था जरा बताएंगे, दक्षिण सूडान सूडान से कब अलग हो गया था इसके बारे में बताओ जरा। बिल्कुल, तो आप लोग जानते हैं कब? 9 जुलाई। कब अलग हुआ? 9 जुलाई 2011 को ये क्या हुआ था? सूडान से अलग हो गया था, और अलग होकर इसने अपना क्या नाम बनाया? दक्षिण सूडान। क्या बनाया? दक्षिण सूडान बनाया। तो 9 जुलाई 2011 को ये सूडान से अलग हो गया था। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। आप जानते हैं सूबा दिया गया है, तो सूबा किस देश की है? फिजी देश की राजधानी है। क्लियर है? तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही है। चलो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बताएंगे, अगला है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है। बताना है कौन सा राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल, चलो बताओ राजा जी कहां है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखो कहा गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। सांबर वन्य जीव अभ्यारण, बिल्कुल सही बात है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये देखो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कहां है, ये उत्तराखंड में है। कहां है भैया ये जो राजा जी जो है आपका है, कौन सा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद भी कर सकते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में पर्यटक स्थल है, कौन सा? नैनीताल। और राजा रानी कहां जाते हैं? नैनीताल में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर इसको याद रख लेंगे, राजा जी कहां जाएंगे? उत्तराखंड जाएंगे। राजा जी कहां जाएंगे भैया? उत्तराखंड जाएंगे। तो उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो कहा गया कौन सा राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, राजस्थान में। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। आगे देखा जाए। बिल्कुल हाँ, असम में देहिंग पटकई 2021 में एक नया जोड़ा गया है। क्या है? देहिंग पटकई 2021 में असम में, इसको ध्यान देंगे, क्या जोड़ा गया है? देहिंग पटकई। कहां है ये? असम में है। कब जोड़ा गया? 2021 में। कब? 2021 में क्या जोड़ा गया? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जोड़ दिया गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल। रायमोना भी है, रायमोना और देहिंग पटकई, लेकिन रायमोना ज्यादा नहीं पूछता है, देहिंग पटकई आपका फेमस है, तो ये ध्यान देंगे। एक होता है रायमोना, दो जोड़ दिया गया था, रायमोना और देहिंग
पटकई। तो ध्यान देंगे जो लोग ऑप्शन नंबर डी सही कर रहे हैं उनका एकदम सही है। कहा गया किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था, फटाफट बताएंगे इसका आंसर कर देंगे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो कहा गया है जरा देखो किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म से धर्म के रूप में अपनाया, तो जानते हैं कौन, व्लादिमीर द ग्रेट। कौन, व्लादिमीर द ग्रेट। क्लियर है, बिल्कुल। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। बिल्कुल, रूस का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है, जानते हैं। बिल्कुल, जो रूस है क्या है, रूस एक ऐसा देश है, रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार कहां तक, यूरोप और एशिया दोनों देशों तक, दोनों महाद्वीपों तक है, एशिया और रूस। क्लियर है, ठीक। तो ध्यान देंगे रूस एशिया और यूरोप दोनों जगहों तक क्या है, विस्तार हुआ है, वह विस्तृत है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलो अगला देख लो, अगला प्रश्न क्या है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन थी, यहां पर देखो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली, तो यहां पर देखो रेबेका नहीं, कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। तो ध्यान रहेगा मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला तो वह कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। आपको यहां पर देख दिख रहा होगा आनंदीबाई जोशी, जरा इनके बारे में बताओ, आनंदीबाई जोशी के बारे में। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानती हैं आनंदीबाई जोशी जो थी क्या थी, आप सभी लोग जानते हैं भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी। क्या थी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, भारत की प्रथम, ध्यान देंगे क्या थी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर। क्लियर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी, आनंदीबाई जोशी थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। हाँ, ये महाराष्ट्र के ही जो है कहा जाता है, कहां, महाराष्ट्र के पुणे में रहती थी, कहां पर, पुणे के रहने वाली थी, जो कहां है, महाराष्ट्र में है। कहां है भैया, महाराष्ट्र में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे थे कि स्कूल, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे थे एलिजाबेथ को, वो एकदम से सही हो जाएगा। बिल्कुल, अगला देख लो, अगला क्या है, कहा गया है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। विश्व धरोहर स्थल का मतलब यूनेस्को में जो शामिल हुआ हो, जैसे आपका फटाफट देख लो, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य मंदिर। ये भैया राष्ट्रपति जो है ये यूनेस्को में शामिल नहीं है, क्या है ये, कोई विश्व धरोहर है क्या राष्ट्रपति भवन, इसमें तो राष्ट्रपति वास करते हैं। विश्व धरोहर का मतलब यह होता है जो प्राचीन चीजें हैं, जो प्राचीन चीजें हैं उन्हें संजो कर रखना, उनका रक्षण करना या संरक्षण करना, वही क्या होता है, यूनेस्को एक संगठन बनाया गया, उसी के अंदर उसको रख दिया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, लगातार संरक्षण होता रहता है। जैसे कि आपको पता है ताजमहल आगरा में है, और ताजमहल कहां पर, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हो चुका है। क्लियर है, बिल्कुल। चलो आगे देख लिया जाए, चलो तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो सूर्य मंदिर है कभी कभी आता है, ये कहां है, आगरा में है। कहां है, आगरा में है। सूर्य मंदिर कहां पर है, आप जानते हैं कोणार्क में। कहां है कोणार्क, कहां है, आप जानते हैं उड़ीसा में है। क्लियर है, अगला देख लो क्या हो जाएगा।
अगले प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी से देंगे। भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? बिल्कुल, पहला विदेश भवन, बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। आप सभी को पता है कि तात्कालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या किया, आप जानते हैं कौन, तत्कालिक जो है केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुंबई में क्या किया, देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन किया। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हो गया, जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। चलो, तो आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, बताना है एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा .. में है, जल्दी से बताना है कहां पर है। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं कहां पर है, गुजरात में है। क्लियर है? कहां है भैया? गुजरात में है। इसका डिटेल जो होगा आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, महत्वपूर्ण है, ध्यान देना क्या है, डिटेल। इसके बारे में कुछ भी जो आपको पता है डिटेल, आप अपनी भाषा में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो ठीक है भैया, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you.